उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बड़ी जीत से पार्टी के नेता काफी उत्साहित हैं। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की जीत है। इससे साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता प्रदेश में एक बार फिर पार्टी के काम आई है। नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में अपने चुनावी प्रचार अभियान के दौरान 31 रैलियों को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने दो रोड शो भी किए। उनकी रैलियों में गरीबों की बात, किसानों की कर्ज माफी और तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं की बात ने लोगों के भीतर भाजपा की एक अलग छवि बनाने का काम किया। साल 2012 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने 221 सीटों पर जीत हासिल की थी, उसके पीछे बड़ा योगदान मुलायम सिंह यादव की राजनीतिक समझबूझ की थी। मुलायम सिंह मुस्लिम और यादव वोट बैंक के अलावा अन्य पिछड़ी जातियों सहित तमाम जातियों के समीकरण को साधने में अहम भूमिका निभाते थे, जिसका फायदा पार्टी को मिलता था। वहीं इस बार अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह और शिवपाल यादव को जिस तरह से किनारे किया और मुस्लिम वोटों के गठजोड़ के लिए कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, वह पार्टी के लिए घातक सिद्ध हुआ। माना जा रहा था कि इस बार के चुनाव में मायावती साइलेंट खिलाड़ी के तौर पर उभरेंगी, लेकिन जिस तरह से सपा के भीतर विवाद हुआ, उन्होंने इसका लाभ उठाने की पूरी कोशिश की और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए पहली बार 100 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया। ऐसे में मुस्लिम वोटों को साधने में मायावती ने तमाम अन्य जातियों को दरकिनार किया, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा की नाकामियों से सबक लेते हुए चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने तमाम जातियों के वोट बैंक को साधने के लिए जबरदस्त समीकरण बनाए, जिसका फायदा पार्टी को इस चुनाव में देखने को मिला। भाजपा ने इस विधानसभा चुनाव में 170 अति पिछड़े और गैर यादवों को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा। भाजपा का यह फैसला उनके लिए संजीवनी बूटी का काम कर गया। पिछड़ी और छोटी छोटी जातियों को साधने के लिए भाजपा ने कई छोटे और स्थानीय नेताओं और दलों के साथ गठबंधन किया, जो पार्टी के पक्ष में गई।